चलिए दोनों ही टीमों का सबसे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आप सबों को दे दूं। काला और आसमानी नीला और हल्की सी सफेद लाइन पर जो टीम नजर आ रही है ये है सॉलिन सॉकर। ठीक हमारे मंच के दाने और मैदान के पश्चिमी छोर के दामन थामी हुई ये टीम है। वहीं अगर लाल और काले की बात करें तो ये टीम है निखिल ब्रदर। तो ठीक हमारे मंच के बाएं और मैदान के पूर्वी छोर के दामन थामी हुई है। और वर्तमान में आप सबों को ज्ञापन करा दें कि सेकंड राउंड के सेकंड मैच के तौर पर खेले जा रहे हैं। थर्ड मैच के लिए अपने आपको तैयारी करा लें। देव स्पोर्टिंग खरसों वर्सेस मास्टर स्पोर्टिंग टीम के टीम कैप्टन आग्रह है या फिर अपने साथी खिलाड़ियों की तैयारी करा लें और जैसे ही खेल समाप्त हो जाती है उसके ठीक पहले ही आप अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे टीम स्टार्टिंग जोन पर चले आएंगे। इसके बाद वाली खेल देवी स्पोर्टिंग खरसों वर्सेज मास्टर स्पोर्टिंग और अंतिम मैच जो सेकंड राउंड के खेले जाएंगे वो होगी जेएमएम पनारो वर्सेज राजीव स्पोर्टिंग नवाड़ी। आप लोग भी तैयार रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आज बारिश नहीं होगी और इस खुशनुमा मौसम में आपके बेहतरीन फुटबॉल खेलने का मौका दिया जाएगा। बशर्ते आप मैदान के बीच बेहतर खेलने का प्रयास करें। आज मौसम आपके साथ है, आज अच्छे अच्छे रेफरीज आपके पास हैं जो बेहतर निर्णय देंगे जहां आपको खेलने में कोई असुविधा नहीं होने वाली है। बस आपके प्रदर्शन पर आपको फोकस करना है, प्रदर्शन पर आपने आपको केंद्रित कराना है और बेहतर मैच खेलने हैं। वर्तमान में सॉलिन सॉकर ठीक हमारे मंच के दाने और पश्चिमी छोर पर मैदान के निखिल ब्रदर की बात करें ठीक मैदान के पूर्वी छोर पर। सेकंड राउंड का सेकंड मैच आप सबों के बीच पहला प्रयास। यहाँ पर धीमी शुरुआत जरूर हुई है लेकिन धीमी शुरुआत के साथ साथ समय जो 20 मिनट में दिए गए उनको उपयोग करना और ये पहला प्रयास थोड़ी सी बाहर रही गेंद अन्यथा एक मौका बन सकता था। सॉलिन का फिलहाल जवाब ये पहला टेस्ट था गोलकीपर के लिए हालांकि शॉट ऑन टारगेट रखने में नाकामयाब रहे। तो एक बार सुंदर तालमेल जिस तरह से बटवारा किए जा रहे हैं एक अच्छा समय हमें दिखने का मौका मिलेगा। पुनः एक बार अच्छी क्रॉस भी आई लेकिन ऊंची ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा रही इस गेंद पर। नतीजा यह रहा कि गेंद खिलाड़ी तक पहुंच नहीं पाए। एक एक मौके जरूर ले चुकी है सॉलिन सॉकर और निखिल ब्रदर, सफलता किसी के हाथ नहीं लगी है। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और एक चीज जरूर है कि आज आप इतने बड़े ग्राउंड पर आप खेल रहे हैं, ग्राउंड की जो लंबाई और चौड़ाई है काफी परफेक्ट है नौ खिलाड़ियों के लिए और इसमें अगर आप अपने खिलाड़ियों को सुसज्जित नहीं कर पाए, मैन टू मैन खेलने में सफल नहीं हो पाता तो काफी मेहनत करनी होगी। फिलहाल छोर बदलने में कामयाब रहे निखिल ब्रदर की टीम, मौका बनेगा लेकिन नहीं नीचे रखने में नाकाम। पहला गोल आता हुआ जर्सी नंबर 9 पर, एक अच्छा प्रयास था कि गोल को बदलने में कामयाब रहे। इसी तौर पर एक फाउल का इशारा जरूर जर्सी नंबर 7 पर नजर आ इस दांगी की आप सबसे कह रहा हूं कि जिस तरह से मैदान आपको उपलब्ध कराया गया है अगर आप खिलाड़ी को बांट कर खेलेंगे एक छोर से दूसरे छोर तक गेंद पहुंचाने में आप कामयाब होंगे तो आपकी टीम भी कामयाब होगी। फिलहाल पुनः एक बार इस बार सॉलिन सॉकर के लिए मौका बनेगा। बहुत ही नापी तो लेकिन उतने ही अच्छी बचाव गोलकीपर के द्वारा लगभग लगभग हवा में ड्राइव लगा हुई गेंद को रोकने का प्रयास कर सफल भी हुए। सॉलिन सॉकर के पास भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बस उनको उपयोग करना होगा इस खेल में। एक बार सॉलिन सॉकर गति के साथ आगे बढ़ने के क्रम में नेमार माड़ी बहुत ही सुंदर लेकिन यहां खिलाड़ी अपनी पोजीशन को खो चुके थे। अपने एक बार निखिल ब्रदर दांगिल राकेश दांगिल जैसे नंबर 7 पर अच्छी कदखाटी के खिलाड़ी है, बहुत ही सुंदर मौका बनेगा अपने एक बार काउंटर करने का। तीन तीन खिलाड़ी आगे मौजूद है, एकल प्रयास करेंगे कि गेंद बांटने में कामयाब हुए हैं, ये दूसरी प्रयास हो सकती है। बहुत ही नबी तुली गेंद लेकिन अभी तक पोस्ट में रखने में नाकामयाब रहे।
जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं काफी बेहतरीन मैं कहूंगा। इस प्रयास को अगर सफलता में बदलना है तो और कोशिश और थोड़ी सी बेहतर करनी है आपको। लाल निखिल ब्लदर एक गोल करने के बाद दूसरी गोल की तलाश करते हुए इसको अगर आप दोगुना कर लेते हैं इस खेल में 20 मिनट के दरमियान तो अपने आपको थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगे आप। बहुत ही सुंदर सॉलिंग सॉकर लंबी बॉल के जरिए साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहते थे, थ्रू बॉल डाली थी लेकिन उतनी अच्छी लीड यहाँ पर निखिल ब्लदर के खिलाड़ी के द्वारा उन्हें एक बार अभी भी गेंद कर रहा है। इस बार मौके बनेंगे गति के साथ आगे और इस बार भी गोलकीपर की अच्छी बचाव। बहुत ही सुंदर अभी तक गोलकीपिंग का गुजारा पेश करते हुए निखिल ब्लदर के गोलकीपर के प्रदर्शन अगर मैदान के बीचों बीच देखे तो निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल का गुजारा। फिर से एक बार दाहिने छोर से इस बार जगह बनाने की कोशिश करते हुए सॉलिंग सॉकर गेंद निकालने में नाकामयाब पुनः एक बार निखिल ब्लदर की टीम। दोनों ही टीमों में गति भी है स्किल भी है और अभी तक जिस तरह से प्रदर्शन इनका रहा है 20 मिनट में काफी घमासान भी समय देखने का मौका मिलेंगे। दोनों ही टीमों के पास जब बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं तो उनकी कलाकारी देखती ही बनती है। अच्छे टेक्निक्स है इनके पास, बस उस टेक्निक को थोड़े से संयम में रखकर प्रदर्शन करने होंगे, जाहिर करना होगा उसे। बहुत ही सुंदर आगे निकलने के क्रम में लेकिन लंबाई का अच्छा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की दर्शन प्रसाद पर निखिल ब्लदर की ओर से बहुत ही सुंदर दो खिलाड़ी को टर्न करने के बाद तीसरे खिलाड़ी की गेंद। बहुत ही सुंदर मौका बनेगा जगह बनाने के क्रम में, जगह भी बनाई गई, किक भी लिया गया, गति थोड़ी सी कमी तो हमारा प्रयास थोड़ी सी बाहर रही गेंद है कि बहुत सारे गोल होने वाले हैं इस वक्त इस मैच के दौरान। और इसके पहले भी दर्शक बंधु अगर सारू की बात हमारा माझी कॉल गिला सारू बोले और बांग्ला इंडा का आलती बोला रहा आलती माने पिछलो तार जन्य गोल एक तो बेसी है बुझे तो। अच्छा चलो देखा जाए अनेक समय से पहचानों से 10-10-20 मिनट के लगभग आज के लिए दर्शक बंधु निश्चय भाव हम अपना प्रथम में बोली माइक्रोफोन जो भाव हमारे हाथ में बोली अपना सबाई की यही माठे निश्चय भाव आज अपना अनेक सुंदर खेला देखते पावे इतना अनेक समय से पहचानों से दर्शक बंधु আপনারা কি জানাতে চাইবো আজকের এই প্রতিযোগিতার সেকেন্ড বা দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় খেলা আপনারা সবাই উপভোগ করছেন, লাভ নিচ্ছেন এই খেলা। আর বর্তমান যদি খেলার আমি পরিস্থিতি একটু বলি আপনারা সবাইকে তো নিখিল স্পোর্টিং বর্তমানে গোল লাগিয়েছেন। আমাদের সলিড চক্কর তো ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু গোলটা ধীরে 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 মাঠের বাইরে, কিন্তু এখন মাঠের বাইরে যায়নি। আমরা ভেবেছিলাম না মাঠের বাইরে যাবে কিন্তু অনেক সুন্দর ওখানে। এর পরবর্তী খেলা জানাবে অনুরূপ তরফে হয়তো দেব এসপাড়ি খরচা পারা মাস্টার এসপাড়ি দেব এসপাড়ি খরচা পারা মাস্টার এসপাড়ি। मैं दोनों टीमों से अग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने खेल को तैयार रखिएगा। अपने पर अच्छा मौका राकेश देख रहे वाले बात है राकेश अकेले